बच्चों मैं आपको ऊष्मा इंजन का थर्मोडायनेमिक्स पार्ट में ये ऊष्मा इंजन करा रहा हूँ। ऊष्मा इंजन का सिद्धांत ये होता है कि ऊष्मा इंजन एक स्रोत, स्रोत यानी क्या हो गया, ऊष्मा का ऐसा पार्ट जो या ऐसा सोर्स जो अत्यधिक ऊष्मा देता है इसको ऊष्मा स्रोत बोलते हैं। स्रोत ऊष्मा स्रोत क्या हो गया, उच्च टेम्परेचर हाई टेम्परेचर T1 पर होता है। तो इसके तीन पार्ट होते हैं स्रोत। यह बहुत ही उच्च ऊर्जा की वस्तु होती है, इसको स्रोत बोलते हैं, और यह कितनी भी ऊष्मा इससे निकाली जा सकती है। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है सिंक। सिंक यानी क्या हो गया, जिसको अपन इनफाइनाइट हीट को दे सकते हैं। तीसरा क्या हो गया हमारे पास, कार्यकारी या क्रियाशील पदार्थ। जो गैस होती है वो गैस क्रियाशील पदार्थ होती है, यह उच्च ऊर्जा स्रोत से ऊष्मा लेके सिंक को दे देती है, और जब ऊष्मा लेके आती है सिंक को देती है तो यह कार्य करती है। इसी कार्य की हम यहाँ पर गणना कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है इस डायग्राम में हो, तो देखिए ऊर्जा स्रोत जो अत्यधिक उच्च तापमान पर होता है ऊर्जा देता है, इसका टेम्परेचर T1 हाई सोर्स है, T1 ग्रेटर देन T2, ये T2 है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, T2 है। इसमें गैस उच्च तापमान T1 से ऊष्मा Q1 लेकर सिंक Q2 को देती है, और इसमें किया हुआ का W=Q1-Q2 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो Q1 क्या आ जाता है, कार्यकारी पदार्थ द्वारा स्रोत से अवशोषित ऊष्मा। तो ये जो आदर्श गैस होती है या गैस होती है, यह ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा देती है, फिर ये Q2 ऊष्मा सिंक को प्रदान कर देती है, और जितना ऊष्मा का डिफरेंस बनता है वो कार्य में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ठीक क्या हुआ कार्य, W कितने के इक्वल हो जाएगा, Q1-Q2 की वैल्यू के इक्वल आ जाता है, ये आ जाता है। तो ऊष्मा इंजन की हम दक्षता निकालते हैं, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार DQ=DU+DW, चूंकि यह साइक्लिक प्रोसेस है इसलिए इसमें कोई ऊष्मा नहीं होती, चेंज नहीं आता, इसलिए ऊष्मा का पूरा भाग कार्य में परिवर्तित होता है, इसलिए W=Q1-Q2। तो इसकी एफिशिएंसी या दक्षता को मैं ईटा से शो करता हूँ, ईटा=W/Q, W=Q1-Q2/Q1, तो दक्षता आ जाती है ईटा=1-Q2/Q1 के मान के बराबर। तो इस पार्ट को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी लास्ट यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, दोलन बोलते हैं, ठीक है। तो दोलन में देखिए हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, नंबर 1 पीरियोडिक मोशन, वस्तु एक निश्चित समय के पश्चात निश्चित समय के पश्चात अपने पथ को दोहराती है, तो वस्तु की गति आवर्त गति आवर्त
गति कहलाती है। देखिए, अगर कोई वस्तु अपने पथ को बार बार दोहराती है निश्चित समय के पश्चात, तो उसकी इस गति को हम क्या बोल देते हैं? आवर्त गति बोल देते हैं। उदाहरण आप देखिए, उदाहरण सूर्य के चारों और पृथ्वी की गति, ठीक। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी 365 दिन के बाद अपने पाथ को बार बार रिपीट करती है, इसलिए इसकी ये गति क्या कहलाएगी? आवर्त गति कहलाने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपन गति, कंपन गति, ठीक। इसको मैं ऐसा डिफाइन करता हूं, यदि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति, माध्य स्थिति के दोनों ओर निश्चित समय अंतराल में अपनी गति दोहराती है तो इसे दोलनी या कंपन गति कहते हैं। तो देखिए, अगर ये मैं पेंडुलम ले लूं, ठीक, तो देखिए ये इसकी क्या कहलाती है? माध्य स्थिति कहलाती है। और ये पेंडुलम अपने इस पाथ पे निश्चित समय के पश्चात क्या करता है? गति करता रहता है। तो इस गति को हम क्या बोल देते हैं? दोलनी या कंपन गति बोलते हैं। दोलनी या कंपन गति में माध्य स्थिति का होना कैसा हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। तो ये गति क्या कहलाती है? दोलनी या कंपन गति कहलाती है। तो सभी बच्चे क्या है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। आपके सिलेबस या पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से सरल आवर्त गति है। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं।